Okay, let's start reading. Page number is 9 and the topic is earthquake. Earthquake is a sudden shaking of the earth. The devastating earthquake of 2005 ruined the Azad Jammu Kashmir area of Pakistan. Many schools were destroyed due to which children had to suffer and could not go to school. अर्थक्वेक क्या होता है बच्चे, इट इज सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, मीन्स कि जो हमारी जमीन है अर्थ की, उसकी जब सडनली एक वॉल्केनो से जब लावा निकलता है ना, तो क्या होता है कि शेक करने का क्या मतलब है, इससे हिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 2005 में पाकिस्तान में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का, डिवास्टेटिंग किस्म का अर्थक्वेक आया था जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है। मैनी स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू विच चिल्ड्रन हैड टू सफर एंड कुड नॉट गो टू स्कूल। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स, होम्स, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किस एरिया में हुई थी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एरिया में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्नेडो। टॉर्नेडो इज अ जाइंट ट्विस्टिंग विंड स्टॉर्म दैट मूव्स इन अ सर्कल। टॉर्नेडो क्या होता है बच्चे, एक विंड का यानी कि हवा का एक स्टॉर्म होता है, तूफान होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, जाइंट होता है यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग विंड होती है यानी कि सर्कल में विंड ट्विस्ट करती है। हरिकेन। हरिकेन इज अ पावरफुल वर्ल्डिंग विंड स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट्स ओवर एन ओशन। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइफून और साइक्लोन इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वार्म फेस इज कॉल्ड ई आई नीनो वाइल द कोल्ड वन इज कॉल्ड ला नीना इवेंट। अच्छा जी, हरिकेन क्या है बच्चे, ये कहाँ ओरिजिनेट होता है, ये एक विंड स्टॉर्म है, ठीक है, जिस तरह टोर्नेडो भी विंड स्टॉर्म है लेकिन ये आसमान वाली साइड पे होता है। हरिकेन जो ओरिजिनेट होता है यानी कि ये कहाँ से उभरता है, ठीक है, सी से, समंदर से, ठीक है, एक ओशन से ये हरिकेन स्टार्ट होता है, ठीक है। आप ये देखो पिक्चर में कि ये ओशन है ना, इसमें शिप और ये हरिकेन हो रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइफून और साइक्लोन, ठीक है, कुछ जगह पे इसको टाइफून और साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वार्म फेज इज कॉल्ड ई आई नीनो। जो वार्म फेज होता है हरिकेन का, उसको हम ई आई नीनो कहते हैं, और कोल्ड फेज को क्या कहते हैं, ला नीना इवेंट। ओके, इट इज टोरेंशियल रेन्स। टोरेंशियल रेन्स आर हेवी रेन्स। द हेवी टोरेंशियल रेन्स ऑफ 2011 अफेक्टेड मोर देन 3/4 ऑफ कोलंबिया। टोरेंशियल रेन्स क्या होती है, हेवी रेन्स, यानी कि जब बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट में रेन होती है, ठीक है। पाकिस्तान में तो टोरेंशियल रेन्स नहीं होती है, ठीक है, बाकी कंट्रीज में होती है, और इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, जिस तरह 2011 में जो 3/4 मीन्स के 75% ऑफ कोलंबिया जो था वो अफेक्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट वीडियो।